हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदा भामरेन। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा। फंक्शंस क्या है प्लासेंटा का? ये ट्रांसफर्स करता है न्यूट्रिएंट एंड द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटस टू द मदर, एंड इट कवर रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड न्यूट्रिटिव फंक्शन भी होता है। इसके अलावा इसका एंडोक्राइन फंक्शन होता है, बैरियर फंक्शन होता है, इम्यूनोलॉजिकल होता है। इनको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, कैसे रेस्पिरेटरी फंक्शन ये कैसे करता है, एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, ये आपको आगे बताएंगे। प्लासेंटा के फंक्शंस के अंदर क्या क्या मैकेनिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफर्स के अंदर, यानी जो मैटीरियल जो ट्रांसफ़र हो रहा है प्लासेंटा के थ्रू, वो किस तरीके से होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, वाया वो सिंपल डिफ्यूज़न भी हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं वो वाया फैसिलेटेड डिफ्यूज़न। दिस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर पोर्शन प्रोटीन के जरिए होते हैं। ठीक है, फैसिलेटेड डिफ्यूज़न किस तरीके से होता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के जरिए होता है। एक्टिव ट्रांसफर भी हो सकता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द एनर्जीज एंड एटीपेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, एंडोसाइटोसिस भी हो सकती है। एंडोसाइटोसिस मतलब थ्रू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन्वेजन हो जाता है किसकी वजह से, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन की वजह से, टू फॉर्म एन इंट्रा सेलुलर वेसिकल जो कंटेन करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रेजिस्टेंस। एंडोसाइटोसिस रिलीज होता है मॉलिक्यूलर विद इन द वेजिकल्स टू इन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, या फिर वाया लीकेज हो सकता है। तो ये मैकेनिज्म है जिनके जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसफर, ठीक है, एंडोसाइटोसिस या फिर एक्सोसाइटोसिस या फिर लीकेज की मदद से। ठीक है, तो क्या फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसफर करने में सब्सटेंस को फ्रॉम द मदर टू द फीटस? ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस पे। ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं जो ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं मदर से फीटस में? ये प्रॉपर्टी सब्सटेंस की उस पर डिपेंड करता है, उसका मॉलिकुलर वेट क्या है, लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, पीएच पे डिपेंड करता है, प्रोटीन बाइंडिंग पे डिपेंड करता है, और स्पेशल जो होता है कॉन्फिगुरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस क्या हुई, मॉलिकुलर वेट, लिपिड सॉल्युबिलिटी, पीएच ऑफ द ब्लड, प्रोटीन बाइंडिंग, स्पेशल कॉन्फिगुरेशन। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मदर की, उन पर डिपेंड करता है, यूट्राइन ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लासेंटा, और कुछ प्लासेंटल की प्रॉपर्टी होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। प्लासेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से ट्रांसफर होना है। क्या होती है, लिपिड मेम्ब्रेन ऑफ द प्लासेंटा इन्हेंस करती है ट्रांसफर को। ओके, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द प्लासेंटल मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है, फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द प्लासेंटल बैरियर पर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द प्लासेंटल बैरियर, यानी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसफर करने में सब्सटेंस को फ्रॉम द मदर टू द फीटस। तो हमारे कौन कौन से फैक्टर हुए, ये चीज़ जो होती है डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस पे। सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज मॉलिकुलर वेट है, लिपिड सॉल्युबिलिटी है, पीएच ऑफ द ब्लड है, प्रोटीन बाइंडिंग है, स्पेशल कुछ कॉन्फिगरेशन है, तो उन पर डिपेंड करता है। दूसरी मदर की प्रॉपर्टी है यूट्राइन ब्लड फ्लो कैसा है, ब्लड का ड्रग का कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द प्लासेंटा पे ऑन आदर साइड डिपेंड करती है। तो आज मैंने बताया कौन कौन से मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफर करने में, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए भी होता है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन के जरिए होता है, एक्टिव ट्रांसफर होता है, एंडोसाइटोसिस होती है, एक्सोसाइटोसिस होती है, या फिर वाया लीकेज भी ट्रांसफर होता है। और मैंने बताया कौन कौन से फंक्शंस होते हैं ट्रांसफर कराता है न्यूट्रिएंट को और वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द फीटस टू द मदर। ठीक है, क्या क्या होता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी, न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है, एंडोक्राइन होता है, बैरियर फंक्शन होते हैं, और इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो होता है फीटस के अंदर जो होता है डिटेक्ट करता है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है रेस्पिरेटरी फंक्शन की, 11 वीक पे होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि फीटस में सबसे पहले रेस्पिरेशन कब शुरू होता है, 11 हफ्ते से शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑफ प्रेगनेंसी बट देर इज नो गैसेस एक्सचेंज, मगर जब क्या होता है, कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है किसके जरिए होता है, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए होता है। ठीक है, बाय द फीटल मेम्ब्रेन इन द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सचेंज के लिए बिटवीन द मैटरनल एंड द फीटल सर्कुलेशन। ऑक्सीजन जो होता है सप्लाइड करता है टू द फीटस कितने रेट पे, 8 ml/kg/min। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कब रेस्पिरेटरी फंक्शन जो होता है शुरू होता है, आप कहेंगे 11 हफ्ते पे। कैसे होता है ट्रांसफर, गैसेस एक्सचेंज के जरिए, कोई गैसेस एक्सचेंज तो हो नहीं रहा, ये किस तरीके से हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए हो रहा है, बाय द फीटल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज़ द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंज के लिए बिटवीन द मेटरनल एंड द फीटल सर्कुलेशन।
ऑक्सीजन कितने रेट से सप्लाई होती है? हमारी होती है 8 ml/kg/min। यह आपने याद रखना है। तो यहाँ तक हमने बात की आज कि सबसे पहला हमने फंक्शन आपने डिस्कस किया रेस्पिरेटरी फंक्शन। आगे हम देखेंगे और बहुत से फंक्शन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है, न्यूट्रेटिव फंक्शन है, ठीक है। ये आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।